नमस्कार दोस्तों, आज हम बना रहे हैं कुल्फी। कुल्फी के लिए बनाने के लिए मुझे चाहिए 1 लीटर दूध। जो दूध मैंने लिया है वो फुल फैट मिल्क है और वो मैंने बॉईल करने के लिए रखा है। उसके साथ ही मैंने लिया है शुगर। शुगर लिया है मैंने 1 वाटी, जो अपना जो बाउल जो होता है छोटा सा, उतना शुगर लिया है। अभी ये जो दूध जो है उसको मुझे हाफ रिड्यूस करना है कि जो मेरी कुल्फी हो वो कैसी गाढ़ी मलाईदार होनी चाहिए, इसके लिए इसकी हाफ क्वांटिटी तक मुझे रिड्यूस करना है। ये मेरे दूध को बॉईल आ गया है, इसको कॉन्स्टेंट स्टरिंग करना है, अदरवाइज ये दूध नीचे चिपक जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरा जो दूध है वो आधे से भी ज्यादा क्वांटिटी में रिड्यूस हो गया है और दूध जो है वो काफी गाढ़ा हो चुका है। अभी ये दूध गाढ़ा होने के बाद मुझे इसमें क्या डालना है, इसमें शुगर डालना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, इसके बाद मुझे शुगर डालना है। ये शुगर जो है ये मैंने डाल दिया है। इसके बाद आप टेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको कितना मीठा चाहिए। बहुत मीठा भी नहीं चाहिए लेकिन एक मीडियम मीठा चाहिए, तो इसके लिए अभी मैंने शुगर इसमें डाल दिया। इसको एक बॉईल आने तक, यानी शुगर मेल्ट हो जाएगा तब तक, मैंने 1 बड़ा चम्मच कॉर्नस्टार्च लिया है। अभी ये जो कॉर्नस्टार्च है ये मैं दूध में घोल के इसमें डाल दूंगी। कॉर्नस्टार्च डालने का फायदा यह है कि कुल्फी जो है उसमें जरा भी आइस नहीं जमेगा और कुल्फी जमने में भी जल्दी जमेगी, यानी 5-6 घंटों में आपकी कुल्फी जम के तैयार हो जाएगी। अभी ये मैं कॉर्नस्टार्च में थोड़ा दूध डाल के इसका पेस्ट इसमें डाल देती हूँ। लेकिन याद रखिए, जब शुगर मेल्ट हो जाए तभी आप कॉर्नस्टार्च डालिए। कॉर्नस्टार्च डालने के बाद आप इलायची और ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए। दोस्तों, मेरा शुगर अच्छे से मेल्ट हो गया है। अभी इसके बाद मैं डाल रही हूँ कॉर्नस्टार्च। कॉर्नस्टार्च को जरा हिला के डालिए, नहीं तो वो नीचे जम जाता है। अभी इसको बस एक ही बॉईल लाना है, उससे ज्यादा बॉईल नहीं लाना है। अभी जो पानी जो शुगर से जो पतला हो गया था हमारा थोड़ा दूध शुगर डालने के बाद, क्योंकि शुगर का जो पानी हो जाता है, अभी कॉर्नस्टार्च के साथ फिर से उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाएगी। बस इसमें एक ही बॉईल लाना है मुझे। एक बॉईल आने के बाद मेरा कुल्फी का जो मिश्रण है वो तैयार हो जाएगा। मेरा कुल्फी का मिश्रण तैयार है। देखिए आप, इसमें देखो कितनी अच्छे से मलाई जम गई है और कॉर्नस्टार्च डालने से इसमें एक स्मूथनेस भी आ गई है। अभी ये जो है ये मुझे ठंडा करना है, उसके बाद मैं ये मोल्ड में भरूंगी। मोल्ड आप स्टील के या कुल्फी मोल्ड या फिर इस तरह से पेपर ग्लास भी यूज कर सकते हो। कुल्फी का मिश्रण अपना ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो चुका है। इसके अंदर जो मलाई है वो भी अच्छे से आ गई है। अभी ये कुल्फी का जो मिश्रण है ये हम इस तरह के कागज के ग्लासों में या ये छोटी छोटी वाटियों में या फिर आपके पास कुल्फी मोल्ड रहेगा उसमें डाल सकते हैं। इस तरह से आप मिश्रण को कुल्फी मोल्ड में डाल दो। लेकिन इसके बाद या तो इसके ऊपर मुझे लगाना है एल्यूमिनियम फॉइल, या फिर क्या करना है, आपके पास अगर एल्यूमिनियम फॉइल नहीं है तो इस तरह से कोई भी प्लास्टिक का कागज लीजिए और उसके ऊपर इस तरह से एक रबर बैंड लगा दीजिए। अभी इस तरह से मैं बाकी सब ग्लासेस में कुल्फी का मिश्रण डाल देती हूँ और फ्रीजर में रख देती हूँ। जब मैं फ्रीजर में रखूंगी तो फ्रीजर का जो टेम्परेचर है वो और कम कर दीजिए तो कुल्फी जल्दी जमेगी। मैंने सारी कुल्फियाँ डीमोल्ड कर ली है, बहुत अच्छे से डीमोल्ड हो गई है, वो टेस्ट में भी उतनी अच्छी बनी है। मैंने 6-7 घंटे के बाद निकाली है। थैंक यू।